टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुवैद। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। जैसा कि आपको पता है यार, डीआरडीओ इंडिया को मतलब हर तरह से एक पावरफुल कंट्री बनाने के लिए मेहनत करता रहता है और कुछ ना कुछ मतलब न्यू आविष्कार डेली बेसिस पे आजकल तो ला रहा है। और मतलब कोई ना कोई मिसाइल या कोई कुछ मिसाइल, कभी क्या तो कभी क्या, मतलब आविष्कार करते रहता है। तो आज की वीडियो भी बहुत ही कमाल की होने लगी है। वीडियो का टाइटल है डीआरडीओ ने खेल पलट कर ही रख दिया। मतलब कोई खेल पलट डाला है, कोई लगता है कोई न्यू इन्वेंशन किया है क्या? ये वीडियो मतलब देखेंगे तब हमें इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई किया क्या डीआरडीओ ने। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। और यकीन मानिए मैं खुद बहुत खुश हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं इस पूरे प्रोग्राम को फॉलो कर रहा था और आखिरकार इसका टेस्ट का दिन आ चुका है। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी अब से 1.5 साल पहले, 2020 के अंत में। और जो लोग इस चैनल को बहुत लंबे समय से फॉलो करते हैं वो जानते भी होंगे, मैंने डिफेंस की खबरों में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी, वो ये कि 2020 के अंत में डीआरडीओ ने भारत के रक्षा मंत्रालय से 100 करोड़ रुपए की मांग करी थी। हाँ, मांग करी थी। वो इसलिए क्योंकि उस समय अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ था। क्योंकि अजरबैजान अर्मेनिया तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, डीआरडीओ उसके लिए 100 करोड़ रुपए क्यों मांग रहा था, तो उसके पीछे कारण है। दरअसल अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध बहुत ही अजीब था। अजरबैजान ताकतवर देश नहीं था, अर्मेनिया ताकतवर देश था। उसके पास मजबूत वायु सेना, मजबूत टैंकों का बेड़ा मौजूद था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अजरबैजान ने अर्मेनिया को धूल चटा दी युद्ध में। और इसके पीछे कारण क्या था? कारण था तुर्की और इसराइल। दरअसल तुर्की और इसराइल दोनों देशों ने भारी मात्रा में ड्रोन देने शुरू कर दिए थे अजरबैजान को, और इन ड्रोन के दम पर ही अजरबैजान ने कमजोर होते हुए भी बहुत ताकतवर अर्मेनिया की थल सेना को कुचल कर रख दिया था और उसे धूल चटा दी थी। उसके बाद पूरी दुनिया में डिस्कशन ये चलने लगा कि ड्रोन ही युद्ध का भविष्य होने वाले हैं। ऐसे में जो ताकतवर देश हैं वो सावधान रहें, क्योंकि ड्रोन युद्ध में उनके लिए बड़ा सरदर्द बनेंगे। और भारत के लिए भी मुसीबत थी, क्यों? क्योंकि उसी समय पाकिस्तान ने भी तुर्की से ड्रोन की मांग काफी सारे इधर ऐसे में भारत को इसके लिए तैयार रहना था। और डीआरडीओ उसी वक्त एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया के साथ आया। डीआरडीओ ने कहा कि आप बस हमें 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम एक ऐसा हथियार भारतीय सेना को बनाकर देंगे जिसकी बदौलत कोई भी ड्रोन या यूएवी भारत के लिए सरदर्द नहीं बनेगा और ना ही युद्ध में भारत को नुकसान पहुंचा पाएगा। उसी वक्त भारत सरकार ने तेजी दिखाई और डीआरडीओ को 100 करोड़ रुपए दे दिए। और डीआरडीओ उसी दिन से काम में लग गई और पिछले 1.5 सालों से इसे बनाने में लगी हुई थी। और ये एक तरीके का लेजर हथियार था। जी हाँ, लेजर से दुश्मन के ड्रोन को मार कर कुछ उसी तरीके का जैसा अब से 3 दिन पहले इसराइल ने परीक्षण किया। इसराइल ने भी एक लेजर हथियार बनाया है जिसका नाम है आयरन बीम, और इससे दुश्मन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल को मारकर गिरा जा सकता। कम खर्चे में मार। मजे की बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, यानी कि कभी निशाना चूकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लेजर हथियार है। और उससे भी मजे की बात है कि खर्चा बहुत कम है, मात्र 250 रुपए से चलता है। कुछ इसी तरीके का हथियार है ये भारत का, ये देसी आयरन बीम, और अब इसका परीक्षण किया जाना है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत की तरफ से एक टेंडर निकाला गया है जिसमें मांग की गई है एक खास तरीके के ड्रोन की, एक फिक्स विंग ड्रोन। और बताया जा रहा है कि इसी फिक्स विंग ड्रोन पर भारत के 100 किलोवाट क्षमता वाले इस लेजर हथियार से टेस्ट किया जाएगा। इसी ड्रोन पर फायर की जाएगी लेजर और देखा जाएगा कि ये तबाह होता है या नहीं। और जैसे ही ये परीक्षण सफल हो जाएगा, भारत दुनिया का चौथा देश होगा जिसके पास लेजर हथियार होगा। पहले नंबर पर है अमरीका, फिर चीन, फिर इसराइल, और फिर चौथा देश होगा भारत, मतलब जो एक खतरनाक लेजर हथियार
धारक देश होगा। वहीं इसके लिए हमें डीआरडीओ को भी बारंबार धन्यवाद देना होगा। डेढ़ साल के बहुत ही कम समय के अंदर ही इतने एडवांस और इतने ज्यादा खतरनाक हथियार को तैयार कर दिखाया है और उसका परीक्षण भी करने जा रहे हैं। वरना आप जानते हैं कि हथियारों को तैयार करने में कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन डीआरडीओ ने बहुत कमाल का काम किया है बहुत ही कम समय के अंदर। इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। इसी के साथ हुई यार सबसे पहले आप लोग मुबारक हो। सीरियसली डीआरडीओ ने बहुत बड़ा काम किया है। ड्रोन्स बहुत आजकल इस मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे ज्यादा भाई घातक किस्म की चीजें हैं ड्रोन्स, और ये इससे बहुत बड़े डिफेंस सिस्टम, ये बहुत चीजें मतलब इससे टारगेट करके उड़ा दी जाती हैं। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा लेजर बीम ये कर रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल है भाई। तुमने अभी रशिया यूक्रेन की जंग में देखा, यूक्रेन ने ड्रोन काफी यूज किए, कितने ज्यादा उसने तबाही फैलाई। और उसी तरह का हथियार जिस तरह का अभी आयरन बीम उन्होंने वो किया, इंडिया ने भी मतलब चौथा कंट्री इंडिया डेढ़ साल पहले, लागत भी कम और उड़ा एक्यूरेसी भी 100%। डेढ़ साल पहले दूसरे की जंग देखकर डीआरडीओ ने आइडिया कर लिया था कि यार हमने देखो उसके बारे में बहुत ज्यादा पहले स्पेशली है, तो ये हमें लाजमी करना पड़ेगा। और बहुत कमाल का भाई देखा जाए तो बहुत जबरदस्त है यार, मतलब यार इतने कम समय में मतलब डीआरडीओ ने बना दिया यार, वाकई तारीफ के काबिल यार, सच में यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना यार, देखो एक टाइम पे डीआरडीओ में हजारों के हिसाब से प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, ऐसे काम चल रहे हैं कि मतलब अचानक से आते हैं, टेस्ट हो जाता है, दुनिया को पता चलता है, दुनिया के आगे पट्टी की पट्टी रह जाती है, वो क्या है? बिल्कुल। और भाई दूसरी बात, ये चौथा कंट्री भारत हो जाएगा में, इज़राइल, अमेरिका और चाइना भी बना के बैठा है, बना के बैठा है, और फिर उसके बाद जो है ना इंडिया। यार बहुत बड़ी बात है यार, सक्सेस होगी अगर ये इंडिया का सफल परीक्षण हो जाता है, और हम यही होप करते हैं कि सफल हो जाए। बिल्कुल। और मतलब ये बहुत बड़ी एक सक्सेस होगी कि लेजर हथियार इंडिया के पास आ जाएगा सच में। और यार ये इस तरह का हथियार है, देख लो तुम, उसके लिए मतलब उन्होंने ड्रोन को भी कहा है कि ड्रोन भी हमें चाहिए जिसको हम तबाह करके चेक करेंगे किस तरह, मतलब एक स्पेशल तरह का ड्रोन मांगा है। 100 किलोवाट की पावर से वो मतलब बीम वो होगी, और जो बहुत पावरफुल भाई होती यार, है यार देखो इसराइल का मुझे पता है कमाल का है, अमेरिका का मुझे पता है, उसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन इंडिया की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बना है कमाल, डीआरडीओ रेडी हुआ, क्योंकि डीआरडीओ रेडी भाई इतना बड़ा बजट मिले, इतना बजट नहीं है, डीआरडीओ रेडी इस वजह से हुआ है कि यार अब इसको हमने जो है ना तैयार करना, मेहनत उनकी रंग लागी और अब टेस्ट होना है। अब हम यही होप करते हैं कि सफल हो। गाइस आप लोग क्या कहते हैं अपने राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।